नमस्कार, मैं हूं स्वीकार और आज फैट लॉस मोटिवेशन पार्ट 3 ये वीडियो आप देख रहे हैं। पार्ट 1 मैंने बनाया, पार्ट 2 बनाया, पार्ट 2.5 बनाया। आप भी कहेंगे कि पार्ट 2.5 क्या होता है, लेकिन वो ज़रूरी था बनाना, तो इसीलिए पार्ट 3 से पहले पार्ट 2.5। और आप में से जो लोग डायरेक्ट पार्ट 3 देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो पहले के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी ज़रूर देख लें। अब आज मैं आपको पक्का डाइट प्लान बताने जा रहा हूँ, जिससे मेरा ये आपसे दावा है कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो अगले 4 दिनों के अंदर अंदर करीब 2 किलो वज़न तो कम हो जाएगा पक्का। लेकिन उसको फॉलो करना कोई आसान बात नहीं है, वो एक तरीके की तपस्या है। लेकिन इस तपस्या के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर अभी तक जो मैं आज का देख रहा हूँ करीब 380,000 व्यूज़ उस पर आ चुके हैं। और मैंने वहाँ पर एक छोटा सा व्हाट्सएप का नंबर दिया जिस पे मेरे पास इतने मैसेजेस आए हद से ज़्यादा। वहाँ पर मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी क्रिएट किया जिसमें सिर्फ एडमिन को राइट्स थे मैसेजेस भेजने के, तो और उस ग्रुप के ऊपर मैं कुछ ना कुछ मोटिवेशनल पोस्ट करता रहता था। तो बाद में रिवर्ट मैसेजेस जो आए मेरे पास, उन मैसेजेस के अंदर लोगों ने लिखा कि सर 32 बार चबाने की वजह से आज हम 25 मिनट के अंदर 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खा पाए। एक लेडी का मेरे पास कॉल आया गुजरात से, उन्होंने बोला कि सर मेरे को तो ना मेरी लाइफ के अंदर जैसे मानो कि एक चमत्कार हो गया, ये बात मुझे पता ही नहीं थी, आज मुझे ये बात पता चल गई। उन्होंने कहा कि मैं अभी ट्राई करूंगी, और ट्राई करने के बाद उन्होंने फिर से मुझे मैसेज किया कि सर वाकई में मैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक ही रोटी मेरी फिनिश हो पाई। पहले हम क्या करते थे, 15 मिनट के अंदर पूरा ही खाना फिनिश कर देते थे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो आप लोग कई लोग डाइटिंग फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि रोटी कम कर देते हैं, अगर कोई 4 रोटी खाता है तो वो उसको 2 कर देता है, कोई 2 खाता है तो उसको 1 कर देता है। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो आप स्टारवेशन मोड में आ जाओगे। स्टारवेशन मोड क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं करते, बॉडी अपने आप करती है। जैसे सांस ले रहे हैं ना, सांस हम नहीं लेते, अपने आप ही बॉडी ले रही है। आप रोक के दिखा दो नहीं रुकेगी, वो अपने आप ही चलती रहेगी। उसी तरीके से कई बार सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कोई बहुत अच्छा मूवी का सीन चल रहा है, कोई किसी ने बहुत अच्छा गाना गा दिया तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो हमारी बॉडी अपने आप करती है। उसी तरीके से मुझे अगर मेरे शरीर को ज़रूरत है 4 रोटी की और मैंने खा ली 2 रोटी, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, स्टारवेशन मोड के अंदर आ जाएगी। स्टारवेशन का मतलब क्या है कि इसको ऐसा लगेगा कि आगे मुझे खाना नहीं मिलने वाला, इमरजेंसी का टाइम आ रहा है, तो ये क्या करेगी उस 2 रोटी को भी इमरजेंसी के रूप में कहाँ इकट्ठा करना शुरू कर देगी बॉडी को। आपने 2 भी खाई, आप कई लोग कहते हैं ना मैं तो बहुत कम खाता हूँ बहुत कम खाती हूँ लेकिन फिर भी मेरा वजन नहीं घट रहा, उसका कारण यही है कि आप स्टारवेशन मोड में आ गए हो। मुझे एक लड़की का मैसेज आया, उसने बोला कि सर मैं तो ना रोटी खाती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ फ्रूट्स पे चल रही हूँ। आप बहुत परेशान होने वाले हो अगर आप सिर्फ फ्रूट्स पे चल रही हो, तो अपने आप को परेशान करने वाली है कि आप ऐसे गुलाम बन गए हो इन सब चीज़ों के, डाइट वगैरह करके। मैं भले ही आपको डाइट बताने जा रहा हूँ, अभी तक का पीछे का मेरा अनुभव है, जो लोगों से मैंने सुना है और मैंने खुद भी अपने साथ भी देखा, डाइट करने के बाद अगर आपने मान लो 10 किलो 15 किलो वजन घटा भी लिया तो 10 या 15 वापस आएगा। अगर मेरी ये 32 बार वाली बात भूल जाओगे तो 32 बार चबा चबा के, एक मूल मंत्र दे रहा हूँ, घड़ी देख लीजिए अपने पास, जब भी खाना खाने बैठे 40 दिन तक ऐसा करना पड़ेगा। देखो 40 दिन की ये अंदर की आपको बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि 40 दिन के अंदर कोई भी काम लगातार करो तो वो एक आदत बन जाती है। आप घड़ी में देखिए, घड़ी और रोटी को साथ में लेके बैठिए, रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे, आज मैंने सोचा था मैं रोटी की प्लेट भी साथ में लेकर आऊँगा और चावल कैसे खाने वो भी लेकर आऊँगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर हम जब रोटी खाते हैं तो वो 32 बार तक तो मुंह में रहता ही नहीं, अंदर ही चला जाता है। वो मुंह में इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो सालों की आदत है, बचपन से ऐसे खाते आ रहे हो कि खाया 2-3-4-5 बार खाया और अंदर ले गए उसको। आपने तब तक उसको स्वेलो नहीं करना, तब तक अंदर नहीं लेके जाना जब तक कि वो 32 बार आप उसको चबा के पानी नहीं बना देते। और 32 बार चबाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको साथ में सैलड लेके बैठना पड़ेगा। जब सैलड साथ में लोगे तो काउंटिंग करो, 1-2-3-4 32 तक काउंटिंग करो, कुछ भी हो जाए 32 से पहले अंदर जाने ही नहीं देना, कुछ भी हो जाए। और फिर कमाल देखना, मेरे को बहुत लोगों के मैसेज आते हैं सर अगर ये ट्राई करें तो कितने टाइम में रिजल्ट आएंगे। मैं तो कहता हूँ 2 दिन बाद देखना, आप अपनी छत पे या अपने पार्क में वॉक करने जाओगे ना, आपको पता चलेगा कितने हल्के फील कर रहे हैं। आप 2 या 2.5 रोटी से ऊपर खा ही नहीं पाओगे बिल्कुल आराम आराम से 32 बार। और जब चावल खाते हैं आप कहेंगे सर चावल तो बहुत जल्दी खाए जाते हैं, जो राइस है वो तो फटाफट, तो आपका जो चम्मच है जो स्पून है जिससे आप खा रहे हैं स्पून को पूरा नहीं भरना, सिर्फ आगे का जो पार्ट है ना उसका, पिछले पार्ट को तो उसमें आपने
टच भी नहीं होने देना, मतलब टच तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपने क्या करना, सिर्फ आगे का जो पार्ट है उसमें जितने राइस आते हैं वो डालिए और आप उसको मुंह में डाल के। एक सवाल मेरा आपसे है, मैंने अपने किसी दोस्त से बोला था कि अगर आपकी पसंद के जो सेलिब्रिटी हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपको कौन है जो सबसे ज़्यादा पसंद है, उन्होंने बोला मुझे अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा अगर कभी अमिताभ बच्चन आपको डिनर पे अपने साथ बुला लें तो क्या आप इसी तरीके से खाना खाओगे जैसे घर पे खाते हो, इसी स्टाइल में खाओगे? उन्होंने पहले तो कहा हाँ ऐसे ही खाएंगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से सोचा, या आप भी ध्यान से सोचो, जो भी आपके पसंद के इंसान जो आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद है, आप अगर उनके पास जाओगे और खाना खाने उनके सामने बैठ गए, आप बड़ी डेलिकेसी से खाओगे, बड़े इत्मीनान से खाओगे, ऐसे खाओगे जैसे बड़े स्टाइल में खा रहे हो, बहुत धीरे धीरे। वही डेलिकेसी जो किसी सेलिब्रिटी के सामने आनी चाहिए, वही डेलिकेसी अगर अकेले में आपने खाना खाते हुए अपने साथ ले आए तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली वीडियो में भी, एक रिसर्च हुई थी यूएस के अंदर, उस रिसर्च के अंदर क्या किया, एक ग्रुप की आंखों पे पट्टी बांध दी और एक ग्रुप को ऐसे ही बिठा दिया, दोनों को खाने की उनकी पसंद की चीजें दी गई, जो बेस्ट से बेस्ट उनको पसंद था वो खाने को दिया गया। पता क्या चला, जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी उन्होंने बिना पट्टी वालों के कंपैरिजन में 30% कम खाना खाया। कारण क्या था 30% कम खाना खाया, उनको रोका नहीं गया बीच में, उन्होंने कम इसीलिए खाया क्योंकि जो भी वो खा रहे थे बड़े आराम आराम से अपने टेस्ट बर्ड को फील करके कि क्या हमारे मुंह में जा रहा है, बड़े आराम आराम से। इस वीडियो से जो अगले 2-3 पार्ट्स आएंगे, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस जो आ रहे हैं ना, PCOD एक प्रॉब्लम है फीमेल्स के साथ, वो प्रॉब्लम के अंदर फैट लॉस कैसे करें, थायराइड बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थायराइड की वजह से बहुत सारे लोगों का फैट बढ़ा हुआ है, उसको कैसे कवर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक सबसे बड़ा जो मेजर इशू आया है कि प्रेगनेंसी के बाद जो फैट बढ़ जाता है उसको कैसे डील करें, ये अगली सारी वीडियो में मैं पक्का आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो डाइट प्लान बताने से पहले कैलोरी इनटेक के बारे में आपको समझना पड़ेगा। कैलोरी इनटेक सबका अलग अलग होता है, महिलाओं का अलग है, पुरुषों का अलग है, बच्चों का अलग अलग है। अगर एक फैक्ट्री के अंदर एक लेबर काम करता है और एक चेयर के ऊपर कोई इंसान पूरा दिन बैठ के ऑफिस में काम करता है तो दोनों का कैलोरी इनटेक अलग अलग होगा। लेकिन फिर भी एक जनरल डाइट प्लान जो मेरी डाइटिशियन है मिसेज मानिया खरबंदा, वो करनाल सिटी से हैं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, शायद उनके बारे में जानकारी मिल जाए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके एक डाइट प्लान जनरल आप सब लोगों के लिए, वो डाइट प्लान अगर आप फॉलो करेंगे तो अगले 4 दिनों के अंदर 2 किलो तक वजन घट जाने के चांसेस हैं। कोई गारंटी नहीं मैं दे रहा, लेकिन चांसेस हैं पूरे के पूरे के घट जाए। और इस डाइट प्लान से अगर कोई रेपरकशंस होते हैं तो प्लीज़ रुक जाएं, क्योंकि मैं ऐसे जर्नल बिना किसी से मिले डाइट प्लान बताना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो डाइट प्लान मैं आपको बताता हूँ। डाइट प्लान के लिए क्या करें, रात को सोने से पहले 1 ग्लास पानी के अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया यानी कोरिएंडर सीड्स वो भिगो दीजिए, और सुबह उठने के बाद उस पानी को उबाल लीजिए, उबालने के बाद छान लीजिए, छानने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच उसके अंदर आंवला का डाल दीजिए, ये जूस डालने, दोनों आंवला और एलोवेरा जूस उसको मिलाकर पी जाइए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना, उसके 10-15 मिनट बाद रात को ही बादाम भिगो दीजिए, 5 बादाम और 1 अखरोट वो उसके 5-10 मिनट बाद खा लीजिए, वो जो फेस का ग्लो चला जाता है ना उसके लिए ये चीज़ें हैं। उसके बाद आपने क्या करना, ब्रेकफास्ट जो है वो ब्रेकफास्ट आप लोगों ने लेना है। ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट लेने से पहले अगर किसी किसी को चाय या दूध पीने की आदत है तो वो चाय या दूध 1 कप ले सकते हैं, टोंड मिल्क की चाय या दूध, और वैसे तो चीनी अगर ना लें तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर चीनी की बहुत ज़्यादा आदत है तो 1/2 चम्मच चीनी, चीनी की जगह अगर देसी खांड आप डाल लें तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, तो वो आप चाय अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। फिर ब्रेकफास्ट जो भी आपको कंफर्टेबल टाइम लगता है अपना ब्रेकफास्ट का, जब आपको भूख लगती है तो आप ब्रेकफास्ट लेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या करना, आपने वेजिटेबल ओट्स आते हैं मार्केट से, वो वेजिटेबल ओट्स बना के ले सकते हैं, या फिर ओट्स का चीला। अब ये कैसे करना, ये सारी चीज़ें, आप चीला कैसे बनता है, मैं तो कुक नहीं हूँ, चीला नॉन स्टिक पैन के अंदर आपने एक चीला बना के वो ले लेना ब्रेकफास्ट के अंदर। फिर उसके बाद, ये ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट के बाद मिड मॉर्निंग 11:30-11 बजे होती है जब थोड़ी सी फिर दोबारा से भूख, क्योंकि अभी कुछ ज़्यादा नहीं खाया, थोड़ी सी और भूख लगेगी, तो मिड मॉर्निंग में क्या करना, आपने 1 कप ग्रीन टी ले लीजिए या ग्रीन कॉफ़ी ले लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती हो। उसके साथ में आपने क्या करना, फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट में ऑरेंज या फिर एप्पल ले सकते हैं। ये तो मिड मॉर्निंग हो गया। मिड मॉर्निंग के बाद लंच में क्या करना, आपने लंच के अंदर आपने ओट्स आटा रोटी, ओट्स का आटा कहाँ से मिलता है आपके एरिया में ये आपको सर्च करना पड़ेगा। ओट्स आटा रोटी आपने 1 रोटी ले लीजिए और साथ में कोई भी ग्रीन वेजिटेबल ले लीजिए,
और साथ में दही ले लीजिए, और या फिर दही की बजाय वेजिटेबल रायता भी ले सकते हैं, वो आपने लंच के अंदर लेना है। सैलड ज़रूर लीजिएगा, बिना सैलड के आपको इतना लंबा समय तक उसको नहीं खा पाएंगे। इसको भी जब भी खाएं तो बड़े आराम आराम से चबा चबा कर खाएं। उसके लंच के एक घंटे बाद आपने क्या करना, एक कप ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी, और उसके साथ आप ले सकते हैं या फिर रोस्टेड फाइबर मिक्सचर होता है, रोस्टेड फाइबर मिक्सचर आप गूगल पे सर्च करेंगे, अपने आसपास किसी हेल्थ स्टोर पे देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, या फिर फ्रूट ले सकते हैं। और फिर शाम को 6:30 या 7 बजे के टाइम, ये डिनर का टाइम आ गया, एक बाउल मूंग दाल साबुत जो उबाल के बन जाती है ना, मूंग दाल साबुत का एक बाउल ले सकते हैं, और साथ में सैलड ले लीजिए, या फिर ग्रीन मूंग दाल का स्प्राउट का एक बाउल ले लीजिए, ग्रीन मूंग दाल होती है उसका स्प्राउट बना लीजिए और एक बाउल ले लीजिए, या फिर फ्रूट ले सकते हैं डिनर के अंदर। ये आपका डिनर तक का हो गया, और उसके एक घंटे बाद आपने ग्रीन टी या ग्रीन कॉफ़ी लेनी है। और ये जो प्लान मैंने आपको बताया, ये एक रफ प्लान है, ना तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा खाने को दिया हुआ है, ना बहुत कम दिया है, इसमें स्टार्वेशन होने के भी बहुत कम चांसेस हैं। हो सकता है जो लोग पहली बार लाइफ में डाइट कर रहे हैं, मेरे जैसा इंसान जब मैंने पहली बार किया था तो मैंने ऐसी चीज़ों को देख के मैंने कहा ये तो क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं खाने को, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। जब आराम आराम से खाएंगे तो आपका पेट भरा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत बार आपको 4 या 5 बार खाने को मैंने बताया है। अब मैं जब एक बार मैं यूएस गया था, तो यूएस जाने के बाद मैंने क्या देखा, वहाँ पे लोग दिन में 5-5 बार खाना खाते हैं। अगर आप 5-5 बार खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो पूरा दिन पेट भरा रहेगा और सेटिस्फाइड रहेंगे, डाइजेस्ट भी जल्दी होगा। ये जो प्लान मैंने आपको बताया, ये उन्होंने, मेरी डाइटिशियन ने मुझे फॉरवर्ड किया आप सब लोगों के लिए। इसको 4 दिन फॉलो कीजिए, अगर आपको ये सूट करता है और आप पर्टिकुलरली अपना बनाना चाहते हैं तो उनसे भी मिल सकते हैं, अपने एरिया में किसी भी डाइटिशियन से मिलिए। पूरे इंडिया में डाइटिशियन को अच्छे से ज्ञान होगा, उनको पता होगा कि क्या खाना क्या नहीं खाना। और एक इसके साथ डिटॉक्स क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स बन जाते हैं मसाले वगैरह खाने से, डिटॉक्स के लिए आपने क्या करना, डिटॉक्स के लिए आप 6 ग्लास पानी ले लीजिए, उसके अंदर देसी गुलाब होता है, जो क्या बोलते हैं आपका रोज़ पेटल्स जिसको बोलते हैं, देसी गुलाब की 50 पंखुड़ियाँ डाल लीजिए उसके अंदर, और उसको उबाल लीजिए, उसको अच्छी तरह उबालिए, तब तक उबालना है जब तक उन गुलाब की पत्तियों का कलर ना चला जाए। उसको उबालने के बाद छान लीजिए ठंडा करके, पूरे दिन में जब भी पानी की प्यास लगती है तो ये वाला डिटॉक्स वाटर लीजिए, कमाल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 4 दिन के अंदर मुझे पूरे पूरे ऐसे आसार लगते हैं कि 4 दिन में 2 किलो कम हो जाए, लेकिन फिर भी मेरी बात मानिएगा कि मैं डाइट प्लान को इतना तवज्जो नहीं देता, मेरे लिए डाइट प्लान इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो 32 बार चबा के खाना, धीरे धीरे खाना एक सबसे बड़ी बात। अगर कोई डाइट प्लान नहीं करना चाहता मत करो, कोई बात नहीं, लेकिन वो 32 बार को मत बोलना धीरे धीरे खा के। कई लोग, एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी मैं पिछली बार बताना भूल गया था, हमारे इंडिया में एक कंसेप्शन है, जब प्लेट के अंदर ना खाना हम ले लेते हैं और थोड़ा सा लास्ट में छोड़ देते हैं, तो घर में हर एक इंसान कहता है कि प्लेट में खाना नहीं छोड़ा करते। तो वो जो भी कहता है, अगर आपने पतले होना ना तो वो बात बिल्कुल गलत है, वैसे तो नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर आप उसको खा लोगे तो वो फालतू आपके शरीर में जाएगा, अगर बच गया तो उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल धीरे 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 ही खाना है, बिल्कुल आराम से प्यार से। और एक सबसे बड़ी बात, मेरे एक दोस्त थे, वो, उनको मैंने बताया कि आप ये डाइट फॉलो करो, वो बड़े मोटिवेटेड थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थे, उन्होंने वो डाइट प्लान लिया, जाके डाइटिशियन के पास गए, डाइट चार्ट बनवाया, पैसे भी दिए, सामान भी ले आए सारा का सारा डाइट करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये जो वीडियो सुन रहे हैं, या ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, वो ना एक गुब्बारे की तरह होते हैं। कोई लाइफ में अगर मोटिवेशन है ना तो फटाफट फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह, हाँ 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 मुझे करना है, और वो करने भी लगेंगे उसको, लेकिन 4 या 5 दिन बाद लाइफ में कुछ ऐसा होगा वो बिल्कुल गुब्बारे की तरह हवा निकल जाएगी। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है ना, थोड़ी देर तक चार्ज रहती है, जितना महंगा फ़ोन होगा ना उसकी बैटरी उतनी हल्की होगी। तो जो लोग देखने में जितने ज़्यादा मोटिवेटेड लगते हैं ना, उतने ज़्यादा वो फुस हो जाते हैं जल्दी। तो आपने मोबाइल की बैटरी नहीं, चार्जर बनना है। चार्जर याद रखना, मेरा मूल मंत्र जो है ना वो 30 मिनट का है। इस वीडियो के बाद बहुत सारी वीडियो ऐसे बनाने जा रहा हूँ कि खाना खाना कैसे है, ये 32 बार वाली आदत परमानेंट बनानी कैसे है, अगला डाइट प्लान क्या होगा वो भी बताने जाऊंगा, इसके बाद अगला डाइट प्लान क्या होगा वो सारी बातें। लेकिन ये सबसे ज़रूरी क्या है आपको कि देखो, मुझे पता कैसे चलता है कि आप लोग ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे। आप एक ना, जैसे सपोज करो मेरे पास ये रुमाल है, अगर ये रुमाल मुझे आयरन करना है, मुझे इस्त्री करना है, तो इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, वो प्रेस का है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ही रख के इसके ऊपर आयरन करना शुरू कर दूं तो ये तो सिलवटों वाली प्रेस हो जाएगी।
इसको थोड़ा सा तो मुझे सीधा भी करना पड़ेगा, मेरे हाथ का थोड़ा बहुत रोल तो है इसको सीधा करने के लिए। तो इसको सीधा जो करना है ना उसको बोलते हैं 10% ही काम है इसको रुमाल को सीधा करने में, बाकी तो आयरन करेगी काम। ऐसे ही हल्का फुल्का तो एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पतले तो हो जाओगे, लेकिन वो मज़ेदार पतला जिसको बोलते हैं ना, जिसको बहुत अच्छी बॉडी बोलते हैं। देखो मैं आज से करीब 2 साल पहले सैन डिएगो गया था कैलिफोर्निया में, ये टी शर्ट मैंने वहीं से खरीदी थी। ये देखो ये काफ़ी ढीली हो चुकी है, तो मैंने ये उस वक्त ये वहीं से खरीदी थी और मैंने इसको फॉलो किया। और अब जो ये 32 बार वाली बात मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, इसको मैंने कसम खा ली है कि 32 बार वाली बात नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और आपके फेस पे देखना इतना अच्छा ग्लो भी रहेगा, आपको लोगों के कॉम्प्लीमेंट भी मिलेंगे, जहाँ जाओगे तारीफ़ ही तारीफ़ें मिलेंगी। इसके अलावा और बड़े सारे ऐसे मंत्र बताऊँगा, वो जो 32 बार वाली बात थी ना आई कैन मेक यू थिन वाली बुक में से जो मैंने पढ़ी थी, एक बुक भी मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो मेरे साथ टच में रहिएगा, मुझे पता कैसे चलता, आप अपनी फैमिली में जब ये कहेंगे कि मैं ये डाइट प्लान फॉलो करने जा रहे हैं, तो इसको करने के लिए क्या करिए, हर एक के पास एक फैमिली ग्रुप होता है व्हाट्सएप के अंदर, सबसे पहले तो इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, ये जो नीचे शेयर का बटन है ना वो शेयर कर दीजिए, और ये जो सब्सक्राइब का बटन है ना ये दबाने के लिए लगवा रखा हमने, आप इसको भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब दबा दीजिए, ताकि ये पूरी की पूरी सीरीज़, मैंने ये सोच लिया कि अब आप लोगों को पतला करके ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए कोई रोक नहीं सकती दुनिया की ताकत। अगर आपका वज़न 150 किलो भी है ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको आपके परफेक्ट वेट पर लेकर आऊँगा। और बहुत सारे लोगों का, मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं ना, जिन लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ, सिर्फ 2 या 3 दिन में आपको फ़र्क दिखना महसूस हो जाएगा कि हमारा वेट कितना ज़्यादा लूज़ हो रहा है। तो आप ये बातें फॉलो करें और डाइट प्लान को, ये जो मैंने बताया इसको डाइट प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते 32 मत भूलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, लाइक पे हिट करना, नीचे कमेंट में लिख दिया करें कि हमें कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगा, देखो मैं पक्का वादा नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूँगा नीचे व्हाट्सएप नंबर देने की, अगर मेरे को बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं तो मैं भी अपना काम नहीं कर पाता, मैं कोशिश करूँगा नीचे नंबर देने की, आप मुझे वहाँ भी बताइएगा। यहाँ कॉमेंट ज़रूर करें नीचे कि कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितने ज़्यादा लोगों को बताओगे ना, मैं क्यों बता रहा हूँ, मुझे कोई पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, मेरे चैनल पर तो ऐड भी नहीं आती अभी तक, मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे, सिर्फ मुझे खुशी मिल रही है कि आप लोग जब पतले हो गए तो मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं होगी। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो करें, आपने मेरी बातों को सुना, थैंक यू सो मच। अगला पार्ट जो 4 आएगा, फैट लॉस मोटिवेशन पार्ट 4, उसके इंतजार में रहिएगा, उसके अंदर बहुत काम की जानकारी कि खाने को खाना कैसे, स्लो ईटिंग अपने आप ही हो जाएगी उसको देखने के बाद, आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।